मेरे दोस्तों, लॉकडाउन खत्म होने आया और अगर तुमने ये पूरा लॉकडाउन टाइम पास करते हुए या सोते हुए गुजार दिया तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। इस वीडियो को आखिरी तक देखना। एबी टॉक्स। हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक लेकर आया हूँ आपके लिए एबी टॉक्स का एक और नया एपिसोड। मेरे दोस्तों, लॉकडाउन खत्म हो गया और अनलॉकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। अगर तुम वीडियो का टाइटल देखोगे, दैट इज द थिंग्स टू डू आफ्टर लॉकडाउन, तो टाइटल सोचकर ये मत सोचना कि मैं तुमको बोलूंगा भाई लॉकडाउन खत्म हो गया, जिम ज्वाइन कर ले, यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, या कोडिंग, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी जैसे स्किल पर काम करना शुरू कर दे। ये सब बातें मैं इस वीडियो में नहीं बोलने वाला। मेरे भाई, इस वीडियो में मैं तुझसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, पर उससे पहले मैं ये बोलूंगा कि चल, ये मैं मानता हूं कि ये जो पूरा लॉकडाउन था वो कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने के लिए नहीं था। बेसिकली वो लॉकडाउन हमारी जान बचाने के लिए था। पर मेरे भाई, अगर मैं ग्राउंड लेवल पे सोचूं या लॉजिकली सोचूं तो ये बात भी सच है कि इस पूरे लॉकडाउन के 2-3 महीने में कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्रीशियस थिंग जो होती है लाइफ की, उसे वेस्ट कर दिया है। समझ में आया, लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रीशियस थिंग, दैट इज द टाइम, समय और वक्त। और अगर तुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट थिंग समय नहीं है, टाइम नहीं है, तो तुझे फिर से एक और बार सोचना चाहिए। चल मेरे भाई, अब आगे बढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि अगर तुझे लगता है कि तूने टाइम वेस्ट कर दिया है और तू इस बात से गिल्ट फील कर रहा है या तुझे गिल्टी फील हो रहा है, तो तू ऑलरेडी सही डायरेक्शन में है, सही रास्ते पर है, बस तुझे अब उसके आगे सोचना है। यार अगर तू गिल्टी फील कर रहा है ना, तो मैं तुझे लेके आऊंगा फिर से अपने टाइटल पे, दैट इज द थिंग्स टू डू आफ्टर लॉकडाउन। गिल्टी फील करने का भी अपना पॉजिटिव साइड होता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। जब भी आप गिल्टी फील करते हो तो मैजिकली आपको समझ में आ जाता है कि आपने क्या गलती की है, सारी गलतियां रिमाइंड हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि अब आपको किस डायरेक्शन में काम करना है, कौन सी गलतियां सुधारना है, किन बातों पर काम करना है आपको। तो मेरे भाई, अगर तू गिल्टी फील कर रहा है तो रुक, इस वीडियो को पॉज कर, एक नोटबुक लेके आ, एक पेन लेके आ और लिखते जा, हर वो पॉइंट लिखते जा जो तू कर सकता था और अभी नहीं किया। यार मेरे, अब जो मैं नेक्स्ट स्टेज बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही टफ है। 95% लोग यहाँ पर आके गिव अप कर देते हैं। गिल्टी फील करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है, दैट इज द कॉल टू एक्शन। जिस भी चीज के बारे में तू गिल्टी फील कर रहा है मेरे भाई, उसके लिए तुझे एक्ट करना है, उस पर तुझे एक्शन लेना है। मेरे दोस्त, ये सुनने में बहुत ही सिंपल लगता है पर करने में बहुत ही टफ लगता है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, जैसे कि इलॉन मस्क, सुंदर पिचाई, स्टीव जॉब्स, रतन टाटा, वो सभी इस पे वर्क करते हैं, दैट इज द कॉल टू एक्शन। अब मैं तुझे बोलूंगा कि गिल्ट तुझे पता है, एक्शन लेना तुझे पता है, अब तुझे क्या करना है, वीडियो को फिर पॉज करना है और एक पेपर लेना है, पेपर पे एक साइड लिखना है गिल्ट, दूसरी साइड लिखना है एक्शन, बीच में लाइन लिखना है और तुझे गिल्ट में वो सभी चीजें भरना है जो तू करना चाहता था, जो तू इस लॉकडाउन के 2-3 महीने में नहीं कर सका। धीरे धीरे हर अपने गिल्ट पे वर्क करना है, एक एक काम कंप्लीट करना है, एक्शन की जगह चेक मार्क करना है। अब मेरे भाई, तेरी नई जर्नी स्टार्ट होगी, दैट इज द कॉल टू एक्शन। मैं पूरी पिक्चर को फिर से रिवाइंड करता हूँ। थिंग्स टू डू आफ्टर लॉकडाउन तुझे पता है क्योंकि तूने गिल्टी फील किया है। तुझे क्या करना है, पेपर लेना है, उस पर गिल्ट लिखना है, एक जगह एक्शन लिखना है, गिल्ट में वो सारे काम जो तू करना चाहता था पर 2-3 महीने के लॉकडाउन में नहीं कर सका, उसे लिखना है और एक्शन में हर काम करने के बाद चेक मार्क लगाना है। ये होगी तेरी असली विक्ट्री। यार इस वीडियो को मैंने सिंपल, सरल और टू दी पॉइंट रखा है। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बना रहा हूं मैं। सीधी बात, नो बकवास, एक्शन पर काम करना है। अभी मैंने मेरा काम कंप्लीट कर दिया है ये वीडियो बनाकर, अब तुझे मेरा काम करना है। अगर ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो इस वीडियो को 5 दोस्तों के साथ तुझे शेयर करना है, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दे। बहुत ही शानदार और बहुत ही फाड़ू ऐसे वीडियो आने वाले। लास्ट में मैं तुझसे एक भाइयों वाली बात करूंगा, सीधे दिल से दिल तक मैं ये बोलना चाहूंगा कि फेलियर वो नहीं है अगर तूने कोई सा काम नहीं किया, फेलियर वो है कि तू जो काम करना चाहता था उसके बावजूद तूने नहीं किया। यार अब मैं तेरी इस नई जर्नी के लिए, कॉल टू एक्शन की इस नई जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट कहूंगा और मैं अब लूंगा तुझसे विदा। तो मैं मिलूंगा तुझसे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।